नमस्ते विवर्स, आज हम देखेंगे रूट कनाल ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोकन टूथ। अभी हम लोकल एनेस्थेशिया दे रहे हैं, जिससे उनका नीचे का एक साइड का जॉ पूरी तरह से एनेस्थेटाइज हो जाएगा। अभी हम दांत की सड़न निकाल के रूट कनाल ओपन कर रहे हैं। जो पीछे के दाढ़ होते हैं, उनमें 2 से 4 नस होते हैं। इस दांत में 2 नस है। यहाँ आप देख सकते हो 2 ओपनिंग्स दिख रही है, ये रूट कनाल की ओपनिंग्स है। ये रूट कनाल के फाइल्स होते हैं, जिनसे दांत की नस साफ की जाती है और अंदर नस भरने के लिए नस को शेप भी किया जाता है इनसे। अभी हम RBG एक्सरे ले रहे हैं। एक्सरे से हमें दांत के नस की लेंथ पता चलती है। इस ताड़ में इन्फेक्शन ज्यादा होने के कारण अभी हम नसों में मेडिसिन भर रहे हैं, जो हमें 1 हफ्ता दाढ़ में रखना है। ये मेडिसिन दांत से बाहर ना निकले, इसलिए हम कॉटन रख के टेम्पररी फिलिंग कर रहे हैं।
अभी 10 दिन बाद हम टेम्पररी फिलिंग रिमूव कर रहे हैं। अब हम नस परमानेंटली भरेंगे। ये जीपी यानी के गट्टापच्चा पॉइंट होते हैं। ये रूट कनाल की परमानेंट फिलिंग है। जैसे कि आपने देखा, दांत पूरी तरह से टूटा हुआ है, इसलिए दांत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पिन डाली जाती है दांत में, जिसे हम पोस्ट कहते हैं, जिससे दांत और मजबूत होती है। अभी हम पिन डाल रहे हैं दांत में। पिन के सपोर्ट से हम कंपोजिट फिलिंग करेंगे। ये कंपोजिट फिलिंग की फर्स्ट स्टेप है ईचिंग। कंपोजिट फिलिंग को दांत से बॉन्ड करने के लिए अभी हम बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करेंगे। अभी हम यूवी रेज की मदद से बॉन्डिंग एजेंट को सेट करेंगे। कंपोजिट फिलिंग छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती है और यूवी रेज की मदद से सेट की जाती है। Thank you.
अभी हम दांत को थोड़ा ग्राइंड करेंगे कैप को बिठाने के लिए। ये अल्जिनेट है जिससे दांत का कैप के लिए मेजरमेंट लिया जाता है। ये है दांत की कैप। अभी हम इसको सीमेंट से दांत पर फिक्स करेंगे। कैप सीमेंट से फिक्स करने के बाद एक्सेस सीमेंट निकाला जाता है। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से टूटा हुआ दांत रूट कनाल करके बचाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।